पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मोस्ट वांटेड के पोस्टर लगाए जाने पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। युवा कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की लोकप्रियता से विपक्षी दल घबरा गए हैं, इसलिए वह ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में कहा कि कहीं नाथ के पोस्टर किसी आस्तीन के सांप ने तो नहीं लगाए। भोपाल में कमलनाथ वांटेड के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में QR कोड भी दिया है और इस पर लिखा है कि स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें। साथ ही पोस्टर में पूर्व CM कमलनाथ को करप्शन नाथ लिखा गया है। अब इस पोस्टर को लेकर युवा कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने जाकर FIR दर्ज करने की मांग की है। युवा कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम पुलिस विभाग से मांग करते हैं कि तत्काल इस मामले में कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हैं उस पर FIR दर्ज की जाए। कमलनाथ जी की लोकप्रियता से घबराकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शाहपुरा पार्क के आसपास इस तरीके के पोस्टर लगाए गए थे, जिसको अभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाले हैं। हम पुलिस विभाग से मांग करते हैं कि तत्काल इस मामले में कार्रवाई की जाए, CCTV की फुटेज निकाली जाए, जो भी दोषी है उस पर FIR दर्ज की जाए। जिस तरीके से कमलनाथ जी की पूरे मध्य प्रदेश में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों में घबराहट है, मध्य प्रदेश के माफिया घबराया हुआ है, जिसके ऊपर 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने कार्रवाई की थी। तो आज कहीं ना कहीं उनके इशारे पे इस तरीके से असामाजिक तत्व कमलनाथ जी की छवि को धूमिल करने के लिए, खराब करने के लिए इस तरीके का कृत्य रात के अंधेरे में कर रहे हैं। चोरों की तरह आके इस तरीके के पोस्टर लगाने से अच्छा है कि सामने आके कमलनाथ जी का मुकाबला करें। वहीं इस मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि थाने जाने से पहले कांग्रेसी ये विचार कर लें कि कहीं कोई आस्तीन का सांप तो नहीं है जिसने ये पोस्टर लगाए हैं। अब थाने जाने के पहले विचार करो कि कबीलों के कुनबे की कलाई तो नहीं आ रही फूट फूट के बाहर। वो एक था ना फटा पोस्टर निकला जीरो, कमोबेश वही है जो सामने आता जा रहा है। इसलिए विचार करें कांग्रेस के मित्र, थाने जाने के पहले कोई आस्तीन का सांप तो नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।